कहा जा रहा है कि बीजेपी में आजकल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई दिनों से अलग अलग राज्यों से खबर निकलकर सामने आती रही है कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता बीजेपी छोड़ अन्य दलों का दामन थाम रहे हैं। इस बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आज यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्र देव सिंह ने अपना इस्तीफा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उनका कार्यकाल 16 जुलाई को ही समाप्त हो चुका था। अब यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस कड़ी में कई दिग्गज नेताओं के नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन में भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री होने के साथ विधान परिषद के नेता भी हैं। इससे पहले विधान परिषद के नेता पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा थे। अभी यह तय नहीं हो पाया है कि यूपी में भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। बता दें, स्वतंत्र देव सिंह ने बीते दिन मंगलवार को जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तक प्रदेश अध्यक्ष के कार्यभार स्वतंत्र देव सिंह के पास बना रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मिली फॉर्चूनर कार भी स्वतंत्र देव सिंह ने वापस कर दी है। स्वतंत्र देव सिंह चित्रकूट में होने वाले 29 से 31 तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में भी बतौर प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। वहीं जल्द ही यूपी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। सूत्रों की माने तो नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी में यूपी सरकार के 2 मंत्रियों, केंद्र सरकार के 1 मंत्री और 2 ब्राह्मण चेहरों के नाम पर मंथन चल रहा है। वीएल वर्मा और भूपेंद्र चौधरी प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दिनेश शर्मा और सुब्रत पाठक का नाम भी रेस में है। वहीं यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 15 नामों की चर्चा तेज है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, बाबूराम निषाद, प्रकाश पाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, शिव प्रताप शुक्ला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नरेश अग्रवाल, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर, संजय सिंह, मानवेंद्र सिंह, जफर इस्लाम के नाम भी शामिल है। फिलहाल पार्टी किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही देश दुनिया के हर बड़ी अपडेट पाने के लिए आप बने रहें हमारे जे न्यूज़ 24 चैनल के साथ।